जी सर, सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, पूरन चंद, चेयरमैन एक्सवाट एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन हिमाचल प्रदेश। और आज मैं आप सभी के सामने एक भयंकर जो परिस्थिति कर्मचारियों के सामने आई है उसको रख रहा हूँ। कंपनी ने सभी कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर दिए हैं और 15 तारीख तक का जो टाइम दिया है वो पूरा होने वाला। लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, हाँ, लेकिन फिर भी बात तो ये है कि कंपनी के खिलाफ तो हम शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। कंपनी हर बार कर्मचारियों का शोषण ही करती आ रही है, जिससे कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं इस वक्त 1000 के करीब जो है 108 में काम करने वाले हैं और कम से कम 200 लोग जो है वो 102 में काम करने वाले हैं। इन सभी कर्मचारियों को जो है इस वक्त बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय पर इनको सैलरी नहीं मिल रही है। जब से कोविड चला हुआ है, उससे पहले 7 तारीख से पहले सैलरी सभी को आ जाती थी, मगर जब से कोविड चला हुआ है तब से लेकर के जो है सैलरी के जो क्या नाम है हर बार 13, 14, 15 और 18 तक जो है 20 तक जो है इनको सैलरी रही है। तो ऐसा क्या हो गया है कि जो कर्मचारी जो है अपनी मांगे मनवाने के लिए हाई कोर्ट तक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, मगर उसके बावजूद भी कंपनी को इस बारे में बिल्कुल भी सूझ नहीं रहा है कि हम करें क्या। गवर्नमेंट से आप क्या, माननीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनसे जब हमारे प्रतिनिधि मंडल मिला तो उन्होंने बड़े प्यार से उनको समझाया कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार जो है आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और उसके बाद जब ACS साहब से भी मिले तो उन्होंने भी यही बोला है कि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में और मुख्यमंत्री जी जो है आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम उसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे कि हमारे 1200 कर्मचारी जो है वो लाभान्वित हो गए। क्योंकि सरकार ने हमारे को आश्वस्त किया है और इस वक्त उन्होंने हमें, बल्कि रिटर्न में भी उन्होंने कंपनी को कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और आपका 21 तक जो है टेंडर है, मगर कंपनी छोड़ के जा रही है। तो जब कंपनी छोड़ के जा रही है तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि भी 1000 कर्मचारी, 108 के और 102 के 200 कर्मचारी है जो, उनके लिए कोई ना कोई नीति जरूर बनाए। और इस वक्त कोविड महामारी चली हुई है, कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी हमारा इस महामारी में छोड़ के नहीं जाने वाला है। सरकार के लिए हमने चिट्ठी भी लिखी है कि भाई अगर सरकार के पास ऐसा उचित प्रावधान नहीं है तो हमारे कर्मचारी जो है सारे के सारे 108 और 102 चलाने के लिए तैयार है, सरकार के साथ मिलकर के पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। तो अभी जो